If x square minus ax plus b equal to 0 and x square minus ax plus q equal to 0 have a root in common and the second equation has equal root, दूसरा वाला इक्वेशन उसका इक्वल रूट है इसका, देन शो दैट b प्लस q इक्वल टू ए पी बाई टू, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन और सेकंड वाला इक्वेशन दोनों लिखते हैं यहाँ पे, जैसे x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, दोनों में एक रूट कॉमन है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि दोनों में अल्फा कॉमन है, दोनों में अल्फा कॉमन है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट, सेकंड इक्वेशन ये वाला है x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल रूट है, इसका भी दूसरा रूट हो जाएगा अल्फा, और फर्स्ट वाले इक्वेशन का जो दूसरा रूट है वो मान लेते हैं कि बीटा है ऐसा। तो जब अल्फा और बीटा उसका रूट है तो यहाँ से क्या क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए मतलब ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा सी बाई ए मतलब बी, और यहाँ से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा टू हो जाएगा पी, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा क्यू, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो प्रूफ करना है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बी प्लस क्यू इक्वल टू ए पी बाई टू, जो प्रूफ करना है उसका एल एच एस में जो है वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं, एल एच एस, एल एच एस है बी प्लस क्यू, बी का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से बी का वैल्यू लिखेंगे, ये कितना होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस क्यू का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, ये अल्फा स्क्वायर, यहाँ से देखो अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ना। अब आर एच एस फाइंड करते हैं, आर एच एस फाइंड करते हैं, अल्फा बीटा के टर्म में ला देते हैं, आर एच एस है ए पी बाई टू, तो लिखते हैं ए पी बाई टू, ए का वैल्यू यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, और पी का वैल्यू यहाँ से टू अल्फा बाई में टू, ये टू और टू कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, ये भी तो आ जाएगा। तो इससे और इससे क्या बोल सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, इसका मतलब बी प्लस क्यू इक्वल टू ए पी बाई टू, यही तो प्रूफ करना था, यही हो गया प्रूफ, अरे समझ में, मतलब प्रूफ कैसे कर दिया, अल्फा बीटा का रिप्लेस कर दिए, अल्फा बीटा यहाँ पे एक रूट कॉमन था मान लिए, दूसरा एक क्वेश्चन का दोनों रूट सेम था, अल्फा अल्फा हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दूसरा रूट क्या होगा, बीटा मान लिया सर, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, ओके।